यह हमारी तमाम लापरवाहियों का असर है। क्या यह कोरोना की तीसरी लहर है? आप सोच रहे होंगे कि आज मैं शुरुआत कोरोना का लहर और कोरोना के कहर से क्यों कर रहा हूं, तो उसका कारण यह है कि राजसमंद जिले में आज का कोरोना का आंकड़ा बहुत ही चिंता का विषय है। जी हाँ, राजसमंद जिले में पिछले कुछ समय से जो कोरोना के आंकड़े हमें देखने को मिल रहे थे वो सुखद थे। कभी जीरो आ रहे थे, कभी एक आ रहे थे, कभी दो आ रहे थे और कभी ज़्यादा से ज़्यादा तीन। और जिस दिन तीन आते थे तो हमें लगता था कि आज कोरोना थोड़ा हाई पे है। लेकिन आज जो कोरोना का मामला सामने आया है वह तीन से तीन गुना बढ़कर नौ हो गया है। राजसमंद जिले के देवगढ़ ब्लॉक से आज नौ नए केस सामने आए हैं, जिसमें आठ नए केस देवगढ़ के देवरिया गांव से हैं। उन आठ केसों में चार बच्चे भी शामिल है और चार बच्चों में दो बच्चों की उम्र 10 वर्ष से भी कम है। इन कोरोना आंकड़ों के लिए हम बच्चों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे तो घर में ही रहते हैं, बाहर हम लोग जाते हैं। हमारे द्वारा वायरस घर में आता है और बच्चे संक्रमित होते हैं। इसलिए आप सभी से यही निवेदन है, इससे बचिए, क्योंकि कोरोना एक ऐसा स्वाभिमानी वायरस है। कोरोना एक ऐसा स्वाभिमानी वायरस है जिसको लेने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, वह खुद चलकर कभी घर पे नहीं आता है। और लीजिए चलते हैं आज की रिकवरी की संख्या की ओर। आज राजसमंद जिले में पांच लोग कोरोना को मात देकर घर पहुंचे हैं और मौतों का आंकड़ा शून्य है। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के अनेक नगर निकायों में नए पार्षदों का मनोनयन किया गया। उसी के तहत कल राजसमंद नगर परिषद के नए आठ मनोनीत पार्षदों को राजसमंद उपखंड अधिकारी आईएस सुशील कुमार ने शपथ दिलाई। इस दौरान वहां नगर परिषद राजसमंद के सभापति अशोक टांक, नगर परिषद राजसमंद के उपसभापति चुनीलाल पंचोली सहित अनेक पार्षदगण मौजूद थे। हमने इस शपथ ग्रहण के बाद नगर परिषद सभापति अशोक टांक एवं नए मनोनीत पार्षदों से चर्चाएं की। राजसमंद नगर परिषद में राजस्थान सरकार द्वारा शपथ पार्षद का मनोनयन हुआ। आठ पार्षद मनोनीत किए गए राज्य सरकार द्वारा और उनका शपथ ग्रहण समारोह उपखंड अधिकारी आईएएस सुशील कुमार जी द्वारा शपथ दिलाई गई और वह राजसमंद के विकास में भागीदारी निभाएंगे। धन्यवाद राजसमंद। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट रूबीना सिलावट है। राज्य सरकार द्वारा जो मुझे पार्षद नियुक्त किया है, तो सबसे पहले मैं राज्य सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताया है और ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। इसी के साथ मैं कोशिश ये करूँगी कि इस कार्यकाल में, मेरे कार्यकाल के अंदर, जो जनता की छोटी छोटी जो समस्याएँ हैं जो नहीं सॉल्व हो पाती उनको सॉल्व करें। साथ में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए कोशिश करेंगे राजसमंद को और स्वच्छ और सुंदर बनाए। जो स्वच्छता का जो मिशन चल रहा है देश के अंदर, उसके अंदर राजसमंद को आगे और बढ़ाने की और उसको टॉप पर लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। पल्लीवाल, और राज्य सरकार ने जो हमको अभी मनोनीत किया है नगर परिषद राजसमंद में, तो शहर के जो चहुमुखी विकास के लिए विभिन्न तरीके से प्रयास करेंगे और अच्छा से अच्छा इस शहर को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, इसके लिए तरफ हम कार्य करेंगे। तो ये थे राजसमंद नगर परिषद के नए मनोनीत पार्षद। हम इनसे यही आशा रखते हैं कि ये राजसमंद नगर के विकास के लिए नए आयाम स्थापित करें और राजसमंद नगर के लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर सके। अब खबर कुछ नियुक्तियों से जुड़ी हुई है। पहली नियुक्ति जेके टायर एम्प्लॉयज यानी इंटक के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष के लिए राजसमंद नगर परिषद के उपसभापति चुनीलाल पंचोली का मनोनयन किया गया है तथा मंत्री पद पर किशन सिंह कितावत का मनोनयन किया गया है। अगली नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण संगठन से जुड़ी हुई है, जिसमें राजसमंद के प्रतिष्ठित मार्बल व्यवसायी अनिल जी दादिज को राजस्थान प्रदेश महासचिव बनाया गया है। और अगली नियुक्ति नमो नमो मोर्चा भारत से जुड़ी हुई है, जिसमें राजसमंद के शक्ति सिंह चुंडावत को नमो नमो मोर्चा भारत का
राजसमंद जिला अध्यक्ष बनाया गया है। माणा प्रताप से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर और सवाल जवाब के लिए हम चलते हैं हेमंत सिंह जी के पास, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। हम जिस जगह अभी खड़े हैं वहाँ हल्की फुल्की बारिश हो रही है, और आपको इस बारिश के लाजवाब मौसम में अगर खमन खाने की इच्छा हो रही है तो आपको खमन बनाना सीखना है तो हमारा कल का विशेष एपिसोड देखना ना भूलिए, दोपहर 2 बजे राजसमंद की रसोई। धन्यवाद गौरव जी, खमन का नाम लेकर बड़ा ही वातावरण इस बरसात में ऐसा बना लिया है कि खमन खाने की इच्छा हो गई है, और यकीनन कल जो हमारा 2 बजे एपिसोड आएगा राजसमंद की रसोई, उसमें सुरभि निस्कलेंगे एक नए चेहरे के साथ आपसे रूबरू करवाएगी और बताएगी कि अच्छे खमन कैसे बनाएं, तो ज़रूर देखें। अब आते हैं खबरों पर। एक खबर जो मैं आज चाहता था कि आप तक पहुँचाऊँ, महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई है, विश्व के गौरव महाराणा प्रताप से। एक जो विवाद काफ़ी लंबे समय से सुनने में आ रहा है, इन दिनों एक राजस्थान का प्रतिष्ठित अखबार उस विषय को लगातार बड़े पुरजोर तरीके से उठा रहा है कि जो रक्तलई क्षेत्र है, रक्तलई में जो पुरातत्व विभाग के कुछ एक शिलालेख है जिन पर कुछ गलत तथ्य अंकित है, और यकीन मानिए महाराणा प्रताप जो इस सकल विश्व के लिए, एक सकल दुनिया के लिए एक स्वाभिमान के बहुत, मतलब क्या कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ, इनसे बेहतर स्वाभिमान का कोई प्रतीक हो ही नहीं सकता है, उनसे जुड़े हुए तथ्य अगर हमारे इस मेवाड़ में अगर गलत लिखे हुए हैं तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। इस विषय पर यहाँ राजनेता, साहित्यकार, आम लोग लगातार इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, मगर अभी तक भी उस तथ्य का अंकित होना ये बताता है कि लड़ाई लंबी है। और इस लड़ाई का एक और आगाज आज किया है श्री राजपूत करणी सेना ने। उन्होंने आज बताया कि अगर आगामी 7 दिनों तक की एक डेडलाइन दी है उन्होंने, कि अगर आगामी 7 दिनों में वो तथ्य वहाँ से नहीं हटाए गए तो करणी सेना न केवल एक उसको लेकर आंदोलन करेगी बल्कि खुद जाकर उस तथ्यों को वहाँ से हटाया जाएगा। ये एक चेतावनी है, तो आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी कि ये तथ्य हटते हैं या रहते हैं। और हम इसी के साथ ये भी चाहेंगे कि हम राजसमंद माध्यम एक्सप्रेस के माध्यम से अपना जो इस तमाम घटनाक्रम पर जो व्यू है वो भी बड़ा ही स्पष्ट कर दें कि महाराणा प्रताप और उनके साथ इस देश के, इस राष्ट्र के तमाम प्रतीक पुरुषों से जुड़े हुए सभी तथ्य, उनके सम्मान को परिभाषित करते हो, उनके सम्मान को बनाए रखते हो, वो उसी स्थिति में रहने चाहिए। अगर कोई तथ्य कुछ भ्रामकता फैला रहा है, कुछ गलत तथ्य लोगों तक पहुंचा रहा है तो उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, और हम चाहते हैं कि इसको शीघ्र से शीघ्र हटाया जाए। श्री राजपूत करणी सेना राजसमंद ये आह्वान करती है कि जो हल्दी घाटी के रक्तलई में पुरातत्व विभाग भारत सरकार द्वारा जो शिलापट लगाया गया है उसमें जो गलत जानकारी अंकित की गई है उसके संबंध में पुरातत्व विभाग भारत सरकार यदि उस शिलालेख को नहीं हटाता है और सही जानकारी अंकित नहीं करता है तो श्री राजपूत करणी सेना द्वारा उस शिलापट को हटा दिया जाएगा। और मैं सबसे सरकार की से यह आह्वान करता हूं कि 7 दिवस के अंदर अंदर उस शिलापट को हटाया जाए। अब चलते हैं सवाल जवाब पर। सवाल जवाब, 2 जवाब बाकी है। एक तो हमारे गौरव जी ने जो पूछा था कि राजसमंद में कितने ऐसे स्थान है जिसके पीछे गढ़ आता है, उसका भी जवाब हम आज देंगे, उसके विजेता की घोषणा करेंगे। और एक जो मैंने कल एक सवाल पूछा था कि ऐसा कौन सा एक पौधा है जिसको खाने के बाद मीठे का एहसास नहीं होता है, मिठास खत्म हो जाती है कुछ देर के लिए, तो जो ये कल वाले सवाल का जवाब है वो होता है गुड़मार, जो हमने पीपलांत्री में खाया तो यकीन मानिए उसके बाद थोड़ी शक्कर खाई, उसका कुछ देर बाद चाय पी, उसका हमको मिठास का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, तो हमें लगा कि ये चीज़ आप तक आनी चाहिए। गुड़मार इसको कहते हैं। और इसके साथ एक ही जवाब गुड़मार आया था, इसके साथ कुछ और जवाब आए थे, वो थे स्टेविया, तो हमने उसको भी थोड़ा पढ़ा। स्टेविया और गुड़मार में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि स्टेविया के खुद के पत्ते मीठे होते हैं, ये दोनों ही डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छे होते हैं, मगर स्टेविया के खुद के पत्ते मीठे होते हैं और उस मिठास के कारण उनको शक्कर वक्कर यूज़ नहीं करनी पड़ती है, तो इसलिए वो मधुमेह कंट्रोल में रहता है। मगर गुड़मार के पौधों का स्वभाव इससे बिल्कुल विपरीत है, वो थोड़ा अलग प्रकृति के होते हैं और वो मुंह के अंदर मीठा महसूस नहीं होने देते, आपको ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल कोई बेस्वाद सी चीज़ खा रहे हैं,
आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि आपके मुंह में शक्कर या गुड़ या कुछ मिठाई है, तो ये उस स्वाद को ख़त्म करते हैं। एक बेसिक डिफरेंस है। और जो बाकी गुड़मार है, हो सकता है एक देसी नाम हो, और हमें तो चैनल ही हमारा लोकल है, देसी चैनल को देसी शब्दों से प्यार है, स्टेविया एक इंग्लिश शब्द है, बाकी हमारे लिए गुड़मार बढ़िया है। और हमको क्या फ़र्क पड़ता है कि गुड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपना देसी लहजा ठीक है। तो इसके विजेता होते हैं नारायण सिंह जी राव। और इसी के साथ जो ये काफ़ी समय से कुछ लोग तीन जवाब सही देकर बैठे हुए थे उस अग्रिम पंक्ति में, उससे एक कदम और आगे बढ़कर राव साहब आ गए हैं चार जवाबों के साथ सबसे आगे। अगर वो दो दिन तक और आगे रहते हैं तो हमारे इस महीने के विजेता होंगे, उनको एक गिफ्ट दिया जाएगा राजसमंद एक्सप्रेस की तरफ से। अब आते हैं गढ़ वाले जवाब पर। उसमें बड़े रोचक मुकाबला देखा गया दो लोगों के बीच, दो लोगों के बीच इतना रोचक मुकाबला था कि उस जवाब के लिए दो दिन लगे। और सबसे रोचक तथ्य ये है कि दोनों ही जो प्रतिद्वंदी थे वो पिता और पुत्र हैं। आखिर में पुत्र विजयी रहे, इमरान डायर, ये हमारे विजेता है। और उनके जो करीबी मुकाबले में उनसे हारे हैं वो है खलील डायर। हालांकि अपने एक पिता को अपने पुत्र से इस मामले में हारते हुए खुशी होगी, मगर अगर खलील भाई साहब जीत जाते तो वो भी चौथी बार जीतते, वो भी नारायण सिंह राव से बराबर टक्कर ले रहे होते। मगर अभी उनके पास अवसर है, दो दिन बचे हैं, इन दो दिनों में वो अगर दोनों जवाब सही देते तो आगे बढ़ जाएंगे। खैर, सवाल मैंने पूछ लिया है आपसे, सवाल टटोलिए, खोजिए और जवाब भेजिए, जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।